नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने कुछ व्याख्यानों से हम कालिदास की अभिजान शकुंतलम पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम आप सभी के लिए 5 व्याख्यान आयोजित कर चुके हैं। आज ये 6ठा व्याख्यान है और आज के माध्यम से, यानी कि आज के व्याख्यान के माध्यम से भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपको कालिदास की अभिजान शकुंतलम पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। मित्रों, अपने पिछले सेशंस में हमने कई सर्गों, कई एक्ट्स पर चर्चा की। हम चतुर्थ एक्ट तक पहुंच चुके हैं और आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि हम चतुर्थ एक्ट यानी कि एक्ट 4 पर समीक्षात्मक टिप्पणी कर सकें। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीईसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक संस्कृत विषय संबंधी विभिन्न जानकारियाँ आप तक पहुंचाते हैं और आपकी यही कोशिश है कि आपके लिए हर जानकारी को सरलता से जानना आसान हो जाए। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का और आपके माध्यम से हम एक्ट 4 से निकलने वाली वो तमाम बातें जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एक सारांश पर लेकर जाती हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, चतुर्थ अंक जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, भारतीय साहित्य कह लें अथच विश्व साहित्य, उनके जितने भी नाटक प्राप्त होते हैं उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो सर्वाधिक वरेण्य है ही, लेकिन इनके चतुर्थ अंक को समीक्षकों ने बड़ी ही गंभीरता से समझने की कोशिश की है, इस पर टिप्पणी हुई है। कई प्रकार के विषय, कई प्रकार के मूल्य, कई प्रकार के कि जो नई नई रोचक पूर्ण बातें हैं वह हमारे सामने चतुर्थ अंक के विषय में चर्चा में लाई जाती रही है। हमने अपनी श्रृंखला में जो कुछ अनुत्तरित प्रश्न थे या गंभीर प्रश्न थे महर्षि कण्व के लिए पूछे गए शकुंतला के द्वारा, उन प्रश्नों के समाधान को हमने देखा कि किस प्रकार ऋषि कण्व शकुंतला के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसके बाद अब शकुंतला की विदाई होने वाली है, जिसमें कि कण्व का शोक बड़े ही गंभीर स्थिति को प्राप्त हो रहा है। हम उसकी चर्चा अब आगे जारी रखेंगे और उस पर विमर्श करते हैं। शकुंतला अब आने वाली, जाने वाली है। जाते जाते शकुंतला भी पिता कण्व को कहती है कि तात, आप अपना ध्यान रखिएगा, आप बहुत क्षीणकाय दिख रहे हैं, आप बड़े ही कमजोर हो गए हैं शारीरिक रूप से, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा और मेरे वियोग से जो उत्पन्न होने वाला शोक है उस शोक के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाइएगा, अपनी शोक को शांत कर लें। स्वाभाविक रूप से वाक्य बड़ा ही छोटा है लेकिन सुनने में इतना गंभीर है कि कोई पुत्री जो कि खेलते खेलते आज बड़ी होकर के और पतिगृह जा रही है और जाते क्षण, जाते समय वो अंतिम वाक्य कह रही है कि आप शोक मत करना और अब अपना ध्यान रखना, भावुक हो जाते हैं ऋषि कण्व और उनके इसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर देते हैं ऋषि कण्व कि कैसे मैं तुम्हारे शोक को, तुमसे जो उत्पन्न होने वाला शोक है मैं उसको दूर कर पाऊंगा, मेरा यह शोक कैसे शांत होगा, मेरा यह शोक कैसे शांति को प्राप्त होगी। एतदर्थ बड़ा ही सुंदर श्लोक उन्होंने उद्धृत किया और ये 21वां पद्य है। शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से, त्वया रचित पूर्वं उटजद्वार विरूढं निवार बलिं विलोकयत। वस्तुतः चतुर्थ अंक के कई उपेक्षित पद्यों में से यह पद्य भी एक उपेक्षा का शिकार है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि करुणा की दृष्टि से देखे हम तो इस पद्य में वह समग्रता निकलती है कि शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से, हे पुत्री मेरा यह शोक कैसे शांत होगा जबकि त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोकयत, यानी तुम्हारे द्वारा आंगन के जो कह सकते हैं प्रवेश द्वार के बाहर जो तुम्हारे द्वारा बढ़ाए गए निवार बलि हैं, जो हमारे द्वार पर बढ़े हुए जो ये पेड़ पौधे दिखेंगे इनको देख करके मैं अपने शोक को कैसे शांत करूंगा। भावनात्मक अगर हम वाक्यात्मक दृष्टि से देखें तो निसंदेह ऐसा कुछ भी नहीं लगता,
लेकिन मित्रों हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारा जो शोक है, वो व्यक्ति के चले जाने के बाद उनके द्वारा जो छोड़े गए, उनके जो कुछ छूट जाने वाले प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों से हमारा शोक जो है वो और अधिक प्रबलित हो उठता है, द्विगुणित हो उठता है। और यह स्वाभाविक सत्य है कि शकुंतला तो पतिगृह चली जाएंगी, लेकिन पिता कण्व जब अपने उस कमरे में प्रवेश करेंगे, अपनी उस कुटिया में प्रवेश करेंगे, और कहीं बिखरी हुई चीजें दिखाई देगी जो कि शकुंतला के द्वारा रखी गई है, या शकुंतला ने जिन वृक्षों की सेवा की, या शकुंतला ने जिस अपने पालतू जो मित्र हैं, प्राणी जो हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको जब देखेंगे, तो कैसे कोई व्यक्ति उस शोक को शांत कर सकता है। तो भले ही ऋषि कण्व ऋषि हों, उन्होंने अपने को तपोधन कहा, अपने को संयम धन कहा, लेकिन जो स्वजन विरह से उत्पन्न होने वाली वेदना है, उस वेदना का कोई उत्तर नहीं होता, उस वेदना का कोई समाधान नहीं होता। वे ऋषि कण्व के मुख से निःसृत एक पिता की जो बातें हैं वो हमारे सामने निकल कर आती है। शकुंतला आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे पेड़ों की झुरमुट में छिप जाती है, यानी आंखों से ओझल हो जाती है, बहुत दूर निकल जाती है शकुंतला। दोनों सखियां जो वहां थी साथ में, उसे जाने से पूर्व शकुंतला कहती हैं कि क्या ये दोनों सखियां मेरे साथ नहीं जाएंगी? तो ऋषि कण्व कहते हैं इमे अपि प्रदेये, कि इन दोनों के भी हाथ रंगने हैं, इन दोनों के भी हाथ पीले करने हैं, अर्थात इन दोनों के का भी विवाह करवाना है, इसलिए ये अनुकूल नहीं है कि इन दोनों को हम तुम्हारे साथ भेज दें। फिर भी जब ओझल हो जाती है, दोनों सखियां कहती हैं कि हाधिक हाधिक अंतरहिता में सखी, हमारी सखी जो है वो ओझल हो गई है और काफी आगे निकल गई है। ये जब बातें हो जाती है, ऋषि कण्व का एक निश्वास एक उत्पन्न होता है, मानो शांति का यह श्वास जो है उनके निकलते हैं, और एक बड़ा ही कह सकते हैं यद्यपि कटु सत्य से ओतप्रोत है यह कथन जो 22वें पद्य के रूप में आता है, लेकिन मानो समग्र जो गार्हस्थ्य है, जो पितृ समाज है और पितृ धर्म है, उन सबको झकझोर करके रख देता है। और वो अमर पद्य है, अर्थो हि कन्या पर कीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। मित्रों अगर हम इनके शब्द बिंब को देखें, तो पहली ही पंक्ति जो पहला चरण है, यह कहता है कि अर्थो ही कन्या पर किय एव, कि मानो कन्या पराया धन है। छूटते ही अगर आप आधुनिक समाज की दृष्टि से इसकी विवेचना करें, तो कई प्रकार के वाद विवाद संवाद और प्रतिवाद यहां पे उभर आते हैं, लेकिन नहीं, ये एक पिता की वेदना है। जो पिता अब आज के बाद, यानी पुत्री के पति गृह जाने के बाद, उस वात्सल्य का जो आनंद है नहीं उठा पाएगा, उस पिता की आंखें अपनी उस पुत्री को देखने के लिए सदैव लालायित रहेंगी जिस पुत्री ने उसके जीवन को इतना अधिक परिमार्जित किया, उनके जीवन की गति को एक तीव्र गति देने में इतनी सहायता प्रदान की। तो इसलिए अर्थो ही कन्या पर किय एव जब कहा गया, तो निस्संदेह वह पिता की वेदना है, न कि किसी स्वस्थ समाज के लिए यह संदेश है कि कन्या पर आया धन होता है। मित्रों स्वजन जो औरस होते हैं, अपने से जो बंधे हुए व्यक्ति होते हैं, वो विश्व के किसी भी कोने में रहें, वो पराया नहीं कहलाता। लेकिन जिस प्रकार से एक पुत्री के ऊपर जो पिता का समग्र दायित्व था, समग्र अधिकार था, वो अधिकार आज छिन रहा है और पुत्री किसी और का दायित्व बनने जा रही है, ऐसी स्थिति में अगर किसी पिता के मुख से यह बात निकलती है कि कन्या पराया धन है, तो उनकी वेदना को हमें समझना है, उनकी संवेदना को समझना है, उनकी उस अनुभूति को समझना है, और उनके भीतर ही भीतर पुटपाक प्रतीक के समान जो पीड़ा है, उस पीड़ा को समझना है, और तभी जाके अर्थो ही कन्या पर किय एव का अर्थ हमें ग्रहण में आता है, ग्राह्य होता है। खैर ऋषि कण्व कहते हैं कि तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, आज उसको उसके परिग्रहित हो, यानी उसके स्वामी के पास, उनके पति के पास भेज करके, जातो ममायम विशदः प्रकामम, कि आज हमें क्या है कि असीम सी कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति हो रही है, निश्चिंतता की प्राप्ति हो रही है। क्यों निश्चिंतता की प्राप्ति हो रही है? तो बड़े ही सुंदर, बड़ी सुंदर उपमा महाकवि कालिदास ने यहां प्रदान की है कि प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, जिस प्रकार न्यास यानी धरोहर को
वापस करके किसी जो यानी धरोहर किसी अन्य के द्वारा दी गई वस्तु होती है, बहुमूल्य सामग्री होती है, जिसकी रक्षा वह व्यक्ति करता है, जिनके पास वह व्यक्ति उसने रक्षा करने के लिए दिया है, और जब वह उसे रिटर्न करता है बिना किसी हीनता, बिना किसी क्षीणता के, अर्थात बिना किसी न्यूनता, बिना किसी कमी के, एज इट इज जब वो रिटर्न कर देता है, तो जो व्यक्ति आज तक उस धन की रक्षा कर रहा था उनको प्रसन्नता होती है। तो कवि ने इसी प्रकार की व्यावहारिक उपमा दी है, सामाजिक उपमा दी है यहां पर, कि जिस प्रकार धरोहर को वापस करके धरोहर वापस करने वाला व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है, शांति का अनुभव करता है, निश्चिंतता का अनुभव करता है, उसी प्रकार मानो महर्षि कण्व किसी दूसरे की संपत्ति को लौटा करके प्रसन्न हो रहे हैं। पुनः बात उत्पन्न होती है दूसरे की संपत्ति से यहां क्या तात्पर्य है। तो सर ये भारत, तो ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, जहां पर पुत्री जो है वह सदैव किसी दूसरे घर की महारानी बन के रहती हैं, और अब हम हमारे यहां जब वो फिर वापस आती हैं तो मानो वह क्या है, एक अतिथि रूप में आती हैं। वो सारी स्वतंत्रता उनसे छिन जाती है जो कभी वह निशंक भाव से घर के हर कोने में उछलती कूदती रहती थी। वही जब पति गृह से वापस लौट के आएगी तो मानो उस घर का वो अधिकार उनका छिन सा जाता है और एक अतिथि रूप में उस घर में वो रहने लगती है। अस्तु हम उन विषयों को ना ध्यान देकर के मूल इस विषय को लें कि ये महर्षि कण्व अथच प्रतीक रूप में एक पिता की संवेदना है, एक पिता का दर्द है, एक पिता का कष्ट है, एक पिता की पीड़ा है, जो पुत्री के पति गृह जाने से उत्पन्न होता है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। यही अवसान है चतुर्थ अंक का। शकुंतला पति गृह चली जाती है, एक करुण, जिसको देखिए यूं तो भारतीय समाज में, भारतीय साहित्य में करुण रस को आधार बनाकर के कई कृतियों का निर्माण हुआ है, एक से एक सुंदर कृतियां। स्वयं महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम करुण की एक कह सकते हैं अनपैरेलल्ड क्रिएशन है, कोई इनका अपवाद, इसका समानता मेघदूतम की नहीं है। लेकिन वहां प्रणय से उत्पन्न जो है वह करुण है, लेकिन यहां क्या है, जो सामान्य रूप से जो मैंने पुनः पुनः कहा है कि हमारे साहित्य में पिता और पुत्री के संबंध को लेकर के इस प्रकार के विरह से जो उत्पन्न पीड़ा है उसका चित्रण प्रायशः दुर्लभ है, और जिसे महाकवि कालिदास ने आज से लगभग और लगभग 1500-1600 वर्ष पूर्व यह चित्रण किया है, जो आज भी हमारे समाज के लिए अनुकरणीय तो नहीं कहेंगे लेकिन संवेद्य है, अनुभूयमान है। अस्तु, चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है, चतुर्थ अंक खत्म। चूंकि हमने ये शुरू से ही बात कह रखी है कि समग्र साहित्य के कई सारे अंकों में से नाट्य साहित्य के अंकों में चतुर्थ अंक एक ऐसा है जिस पर समीक्षकों की सर्वाधिक दृष्टि रही है, और तो और पुनः पुनः मैं उसी पद्य को दोहराने की कोशिश करूंगा जहां पर कहा गया काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। लेकिन जो आखिरी दोनों पंक्ति है तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये मानो उसी प्रकार उसी विषय की ओर इंगित करता है कि किस प्रकार चतुर्थ अंक को भारतीय साहित्य समाज ने स्थान दिया है। तो इनसे जो निकलने वाले कुछ विषय है, क्यों चतुर्थ अंक को हम श्रेष्ठ माने, क्यों अन्य भारतीय नाटक के किसी अन्य अंक को हम श्रेष्ठ माने, क्यों नहीं मृच्छकटिकम के छठे अंक को श्रेष्ठ माने, क्यों नहीं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को श्रेष्ठ माने, क्यों नहीं स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अथवा छठे अंक को श्रेष्ठ माने, क्यों नहीं मुद्रा राक्षसम के तृतीय अंक को, जिसे कि कृतक कलह अंक कहा जाता, श्रेष्ठ माने, क्यों हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को ही श्रेष्ठ मानो माने। मित्रों देखें, किसी भी श्रेष्ठता जो है, किसी भी जो विषय की श्रेष्ठता है, यह मानव मात्र की गति, मति, रुचि और स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। कोई किसी को श्रृंगार रस पसंद है तो श्रृंगार से जो युक्त साहित्य होगा वह उनको अच्छा लगेगा। किसी को वीर रस पसंद है तो जिसको वीर रस पसंद है उसको वीर रस से युक्त काव्य अच्छा लगेगा, और किसी को करुण रस वेदना अगर किसी को किसी को उसमें आनंद आता है तो उसके लिए वह अंक हो सकता है। इसीलिए चतुर्थ अंक मात्र को सर्वश्रेष्ठ अंक कह देना लगता है हमारी मानसिकता के ऊपर आरोपण है, लेकिन नहीं। इस कथन को यदि भारतीय समाज ने स्वीकार किया है, साहित्य के समीक्षकों ने इसे अपनाया है और पुनः पुनः इसका प्रवर्तन करता है, तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें
कि क्यों चतुर्थ अंक को श्रेष्ठ कहा गया है और कहा जाता रहा है और आगे भी यह अंक श्रेष्ठ ही कहलाएगा, हमें इसका अन्वेषण करना है। तो मित्रों, यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना आदि इस प्रकार के मुहावरों को यदि आधार बनाएं, तो चतुर्थ अंक की समग्र सामग्री पर अगर हम विचार करें, विमर्श करें, तो कई सारे बिंदु निकल कर आते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उन बिंदुओं की व्याख्या करता है। हमने भी कुछ ऐसे बिंदुओं को संजोया है और ऐसे बिंदुओं को हमने यहां लाया है जिन जो कि किसी अन्य पर आरोपित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि चतुर्थ अंक की विशेषता करुण रस है, तो स्वयं छूटते ही लोग कह सकते हैं कि उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भी करुणा है, या उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में भी करुणा है, या अन्य भी इस तरह से कई सारे हैं। और जो उदयन का जो शोक है, उदयन का जो विलाप है प्रथम अंक में स्वप्न वासव दत्तम में, वहां पर भी करुणा है। तो करुणा जो है वह चतुर्थ अंक का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये करुणा एक अपने आप में अनूठी करुणा है, क्योंकि अन्य नाटकों में जिस प्रकार की करुणा उत्पन्न की गई है, ऐसी करुणा अन्यत्र भी उपलब्ध है, लेकिन यहां जो प्राप्त करुणा है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमने जो कुछ चार मूल विषय यहां पर चतुर्थ अंक की श्रेष्ठता के लिए लेने की कोशिश की है, जिसमें एक है करुण रस, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है संबंध और चौथा है गार्हस्थ्य। यद्यपि यह मौन बिंदु है, इस बिंदु की अगर हम व्याख्या में जाएं तो अभी उसकी लंबी व्याख्या होगी, यहां पर कोई उदाहरण नहीं है, हम एक एक विषय को यहां लेने की कोशिश करते हैं। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक और विश्व साहित्य अथच संस्कृत साहित्य अथच भारतीय साहित्य के नाटकों के किसी अन्य अंक की यदि विवेचना की जाए, तो प्रायशः जो करुणा की समुद्भूति है वह करुणा की समुद्भूति केवल प्रणय के आधार पर है, जैसा हमने वासवदत्ता और उदयन के विरह को लेकर देखा। इसी प्रकार अगर आप अन्य नाटकों में जाएं, उत्तर रामचरितम में, तो वहां राम और सीता का विरह है। नाटकेतर साहित्य में जाएं, अगर मेघदूतम के की करुणा को देखें, तो वहां पर भी प्रियाजन्य विरह है। अगर हम रघुवंशम में जाएं, तो वहां अज और इंदुमति का विरह है, जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है। राम सीता में भी राम और सीता पति पत्नी विरह है। तो प्रायशः अगर साहित्य रूपी आकाश देखें, तो उस आकाश में यदि विरह का ताना बाना बुना गया है, तो वह ताना बाना कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के मध्य बुना गया है। मैं पुनः पुनः कहता रहता हूं कि बार बार कि यह जो करुण रस चतुर्थ अंक का है, यह प्रकृति से विरह का है, यह करुण रस पिता से विरह का है, यह करुण रस स्वजन से विरह का है, और यह करुण रस और तो और मानो उस देश प्रदेश से विरह का है जहां पर कि वह पुत्री पुनः वापस नहीं आएगी। तो मित्रों, इसीलिए यह करुणा जो है हम में संवेदना कुछ अधिक घोलती है, क्योंकि जीवन में यह आवश्यक नहीं कि सबको प्रेम में अपनी प्रेमिका से विरह हो। यह जीवन में आवश्यक नहीं कि पति और पत्नी का विरह सबको देखना पड़े, लेकिन यह जीवन में आवश्यक है कि प्रायः भारतीय समाज में हर पिता को अपनी पुत्री का विरह होता है, हर पुत्री को अपने पिता का विरह होता है। इसलिए यहां का जो कि जो करुणा है वह करुणा कहीं ना कहीं जो विश्व आकाश है उसको आच्छादित किए रहती है। इसलिए चतुर्थ अंक की जो करुणा है वह हमारे लिए सबसे गंभीर बन जाती है। और आपने ऋषि कण्व का प्रवेश ही देखा है, जहां पर वो कहते हैं कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कंठया, कि आज शकुंतला चली जाएगी। ये एक ऐसा वाक्य है जो अनिर्वचनीय है। इस वाक्य की कोई व्याख्या नहीं है, इस वाक्य का कोई प्रसंग नहीं है। मित्रों, साकेत में, साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के एक वृत्त को एक पंक्ति से वर्णित किया है, और वो यह है कि महात्मा बुद्ध छोड़ करके चले गए हैं यशोधरा को, तो यशोधरा के मन से जो उत्पन्न होने वाली भावना है, यद्यपि वो लंबी कविता है, लेकिन इस एक उस कविता का एक वाक्य मात्र है जो इसके पैरेलल में लाने की कोशिश करता हूं। और वो कहती है यशोधरा कि सखी वे मुझसे कहकर जाते,
छोड़ दीजिए इनके शब्द बिंब को, केवल उस भाव को ग्रहण कीजिए, उसके भीतर जो मन में जो उत्पन्न होने वाले कोलाहल है, अच्छाइयां है, हम ये करते हम वो करते, अगर वो मेरे से कह के जाते तो हम और अधिक उनके लिए सुंदर वातावरण उत्पन्न करते आदि आदि, इस समाधान की हम तलाश में ना रहें, इस समाधान का अन्वेषण ना करें, लेकिन बस केवल वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने इससे पूर्व मानो मैथिली शरण गुप्त के लिए एक आधारशिला का निर्माण किया है और वो कहते हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी। अब देखें ये छोटा सा वाक्य है, यास्यत्यद्य शकुंतले इति, उसके बाद बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े बातें लिखी हुई है और अंत में कहते हैं कि वैक्लव्यम ममतावदी दृशमिदम स्नेहादरण्यौकसः, कि मैं आरण्यक अर्थात एक तपस्वी होने पर भी अगर मेरी यह विकलता है, मेरी यह वेदना है, मेरी यह छटपटाहट है, तो पीड्यन्ते कथम नु गृहिणः तनया विश्लेष दुःखैरनवय, तो गार्हस्थ्य में रहने वाले वो उन व्यक्तियों को यह पीड़ा कैसे नहीं उत्पन्न होगी जो नए नए पुत्री से उत्पन्न होने वाली पीड़ा होती है। तो मानो महाकवि कालिदास की जो करुणा है चतुर्थ अंक में वह यूनिवर्सल है, वो उसका संबंध मानव मात्र से है, हर उस सामाजिक प्राणी से है जो समाज में अपने को रखने का प्रयास करता है, समाज से जोड़ने का प्रयास करता है। मित्रों, श्रेष्ठता का दूसरा विषय है प्रकृति। हमने पुनः पुनः कहा है कि महाकवि कालिदास को समीक्षकों ने प्रकृति पुरुष कहा, प्रकृति पुत्र कहा, प्रकृति का पागल प्रेमी कहा, प्रकृति का प्रवीण पुरोहित कहा, और न जाने कितने ऐसे वाक्य गढ़े जा सकते हैं महाकवि कालिदास की प्रकृति को देख करके। ऐसे कई सारे छोटे छोटे मुहावरे बनाए जा सकते हैं महाकवि कालिदास की प्रकृति को लेकर के। और यही नहीं, मैं केवल चतुर्थ अंक की प्रकृति के संदर्भ में ये बातें नहीं कह रहा, बल्कि महाकवि कालिदास के जिस किसी भी काव्य को आप पढ़ने जाएं, वो शीघ्र ही अपने सारे चरित्र को प्रकृति की गोद में उठा करके खड़ा कर देता है। ऐसे में फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्थ अंक की प्रकृति की ऐसी क्या विशेषता है, पूरा का पूरा मेघदूतम ही प्रकृति को डेडिकेटेड है। यदि आज के संदर्भ में देखा जाए कि लोग पुस्तक लिखते हैं और डेडिकेट करते हैं किसी को, तो मानो महाकवि कालिदास का मेघदूतम जो है वो प्रकृति को ही डेडिकेटेड है। ऋतु संहार पूरा का पूरा प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक विवरण से ओतप्रोत है। और तो और, तीनों नाटक में जो प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका के जो मिलन के अवसर ढूंढे जाते हैं वो प्रकृति में, उद्यानों में, रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो जहां पर हिमालय की सुषमा का वर्णन है, रघुवंशम में गंगा यमुना संगम वर्णन आदि समग्र है। तो प्रकृति जहां भी महाकवि कालिदास अपनी लेखनी रूपी तुलिका लिखते हैं वहीं पे एक भव्य नव्य जो चित्र है वो उत्पन्न हो उठता है। तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक क्यों, चतुर्थ अंक की प्रकृति क्यों? वस्तुतः जिस स्फुट रूप में स्पष्टता के साथ उस आश्रम के कण कण के साथ महाकवि कालिदास ने शकुंतला के संबंध को दिखाया है वह अपने आप में अविस्मरणीय है। और हमने हमेशा से कहा है कालिदास के इस चतुर्थ अंक के संदर्भ में कि प्रकृति नहीं तो पात्र नहीं, चाहे वो नेवले के साथ संबंध हो, चाहे अभी आपने देखा कि उन वृक्षों लताओं के साथ संबंध हो, वो पद्य अमर पद्य है जहां पर कि महाकवि कालिदास कहलवाते हैं कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्राणी मुंचयंत्य श्रोणी वलता। उस अमर पद्य को देखिए कि शकुंतला की विदाई को सुनकर के पेड़ों के आंसू निकलने लगे, हिरणों ने खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नृत्य करना बंद कर दिया। प्रकृति के साथ ऐसा सुंदर सामंजस्य अन्यत्र दुर्लभ है। अगर करुणा की दृष्टि से आप विवेचन करें तो लोग बार बार कहते हैं कि भवभूति ने एको रसह करुण एव कह करके क्रांति ला दी, लेकिन मित्रों एक धीरोदात्त नायक से इस प्रकार आंखों से आंसू टपकाना बिना किसी रोक टोक के वो करुणा में विरसता और करुणा में नीरसता उत्पन्न कर देती है। राम की करुणा हमारे लिए ये है, लेकिन जिस प्रकार महाकवि भवभूति ने उसको ट्रीट किया है वो एक कहीं ना कहीं उनमें एडिशन की, एडिटिंग की जरूरत थी। और वो करुणा एक ऐसी करुणा है जो जन जन की करुणा नहीं होती एक्सक्यूज मी,
सामान्य जीवन जो है उससे अपने को संबंध उसका संबंध नहीं बना पाता। इसी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के उस पद्य को भी हमने जाना है जो नवा पद्य है और कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या आदि। और दूसरा पद्य है क्षौमम केनचिदिन्दु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्युतश्चरणोप राग भोग चरणोपभोग राग सुलभ लाक्षारस केनचित अन्येभ्यो वन देवता करतलैरापर्व भागोत्थितैर दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद् भेद प्रतिद्वंद्विभिः। मित्रों देखेंगे कि जिस प्रकार शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्ष को स्वजन के रूप में खड़ा कर दिया गया, जिस शकुंतला की विदाई के अवसर पर पुष्प वृक्ष के ऊपर निकली हुई कली और खिले हुए पुष्प को देख करके शकुंतला से उनके संबंधों की एक कह सकते हैं कि संबंधों की दृढ़ता प्रदान कर दी गई, वो कालिदास की जो प्रकृति है वो हमें चतुर्थ अंक में दिखाती है। और पुनः प्रकृति के साथ जो पात्रों का सामंजस्य है, पात्रों का प्रकृति के प्रति जो प्रतिदान है वह अविस्मरणीय है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की एक अन्य विशेषता प्रकृति निकल कर आती है। तीसरे बिंदु के रूप में हमने संबंध की चर्चा की। संबंध वो गार्हस्थ्य पर आधारित संबंध है। संबंध समाज को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए मानव मात्र को क्या करना चाहिए, ऐसे उपदेशों के माध्यम से हमारे सामने प्रवर्तित संबंध है। भले ही शकुंतला की विदाई का अवसर हो, लेकिन महाकवि कालिदास ने चाहे कण्व ऋषि हो या कोई अन्य चरित्र हो, उनके माध्यम से जो परिवार और समाज का जो एक सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम सामंजस्य बनाने का एक यथार्थ प्रयास किया है, इसलिए भी वहां पे हम कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में संबंधों का इतना अन्योन्य भाव अन्यत्र दुर्लभ है। और वो संबंध को भी हम उन पद्यों से जानते हैं जिसको कि हमने यास्यत्यद्य शकुंतले की बात की कि पिता और पुत्री का संबंध है, कि किस प्रकार पिता एक पुत्री के प्रति जो है वो व्यथित है। हमने बातें की कि जब कण्व ऋषि दुष्यंत को संदेश दे रहे हैं कि अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनान उच्चैः कुलम चात्मनः आदि के माध्यम से जब वो संदेश दे रहे हैं दुष्यंत को, तो वहां पर न केवल वो राजा दुष्यंत के लिए संदेश है, बल्कि वह संदेश जो है वह किस प्रकार एक पति अपने पत्नी के साथ व्यवहार करेगा या किस प्रकार पत्नी के पिता की मनोदशा पत्नी के पति के समान होती है, उनका एक सूक्ष्म विश्लेषण हम पाते हैं अस्मान साधु विचिंत्य में। और तो और हर पिता अपनी पुत्री का कह सकते हैं कि पूर्ण उन्नत और उन्नीत भविष्य की कामना करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वरुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाह कुलस्याधयः। इस उपदेश वाक्य से जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने एक पुत्री जो कल पत्नी रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाएगी उसको जो संदेश उन्होंने दिया है वह आचरणीय है, अनुकरणीय है। और इस तरह के संदेश अन्यत्र दुर्लभ होते हैं, तो कदाचित समीक्षकों ने यह भी एक कारण रहा है, यह भी एक कारण रहे हैं, उन कारणों में से एक रहे हैं जिसके आधार पर चतुर्थ अंक को श्रेष्ठ अंक कहा है। मित्रों यह परिचर्चा जारी रहेगी, कुछ क्षण का विराम। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को।
नमस्कार दोस्तों, CCKS लाइव व्याख्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हम कालिदास के अभिजान शकुंतला पर चर्चा कर रहे हैं और एक्ट 4 इस पर खास तौर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इसका समीक्षात्मक विश्लेषण कर रहे हैं और बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने पिछले सेशन के माध्यम से इस एक्ट को समझने की कोशिश की, हम उम्मीद करते हैं इस सेशन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर से। डॉक्टर मिश्र, आपका स्वागत है। मित्रों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की श्रेष्ठता को लेकर के कुछ बिंदुओं के ऊपर में परिचर्चा लेकर चल रहे थे और उन्हीं बिंदुओं के क्रम में हमने संबंध को देखने की कोशिश की और एक गार्हस्थ्य शब्द है। यद्यपि महाकवि कालिदास ने अपने इस नाटक में कहीं भी यह नहीं कहा कि मैं गार्हस्थ्य धर्म की चर्चा करूंगा, लेकिन एक संकेत उन्होंने छोड़ा जहां पर उन्होंने कहा कि पीड्यन्ते कथम नु गृहिणः। ये जो गृहिणः शब्द जो है उसकी ओर कहीं ना कहीं इशारा किया है उन्होंने, गार्हस्थ्य की ओर। इससे पूर्व ही हमने देखा था कि वे आश्रम के प्रति ज्यादा ही साकांक्ष हैं और उस रूप में हमने एक और पद्य देखा था जहां पर कि वानप्रस्थ की ओर महाकवि कालिदास ने चर्चा की थी। गार्हस्थ्य के यूं तो कई धर्म हैं, कई व्यवस्थाएं हैं, कई अनुशासन हैं, लेकिन यहाँ जो गार्हस्थ्य के उस रूप को दिखाया गया है वह है पिता की भूमिका, जिसकी मैंने अवंतर रूप में कई बार से चर्चा की है। तो इसको भी लोगों ने यह कहने की कोशिश की है कि गार्हस्थ्य धर्म को जितना सुंदर महाकवि कालिदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, महर्षि कण्व को भले ही प्रतीक के रूप में रखा है उन्होंने, लेकिन हर परिवार में रहने वाले हर पिता की, हर श्रेष्ठ जन इसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो मानो अपनी संस्कृति के उस परम तत्व को भी संकेत रूप में महाकवि कालिदास ने चतुर्थ अंक में समाहित किया है, तो इस प्रकार से भी इसे हम मानते हैं। लेकिन यह लिखित रूप में किसी भी समीक्षक ने आज तक यह समीक्षा नहीं की कि चतुर्थ अंक को क्यों श्रेष्ठ कहा जाए। हां, M.R. काले ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका में, जहां पर वे संस्कृत में टिप्पणी कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने अवश्य ही यह बताया है कि तत्र कारुण्य प्रधान चतुर्थोंक है, कि करुण की प्रधानता के कारण जो चतुर्थ अंक है श्रेष्ठ है। अस्तु मित्रों, इसके साथ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चार श्रेष्ठ पद्य किसे माने जाए। स्वाभाविक रूप से यहां पर भी किसी ने आज तक यह टिप्पणी नहीं की कि किस कारण से हम किन किन पद्यों को चार श्रेष्ठ कहेंगे। अस्तु, और तो और हमने एक पूरा इस पर गहन विमर्श करने का प्रयास किया, यहां तक कि हमने शोध किया, और उस शोध में जब हमने एक लिस्ट तैयार की तो अलग अलग समीक्षकों ने अलग अलग चार पद्यों को श्रेष्ठ कहा। और तो और जिस M.R. काले की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, उस M.R. काले ने तो चार श्रेष्ठ पद्य को गिनाने के क्रम में 5 पद्यों तक के नाम गिना दिए हैं। मतलब 3 नाम डायरेक्ट है पद्यों के और एक में अथवा करके उन्होंने नाम गिना दिया है। यानी स्वयं M.R. काले भी कह सकते हैं कि वो भ्रांत हैं इन चार पद्यों के निर्धारण के लिए। तो अस्तु, जो मेरा मूल यहां कहने का तात्पर्य यही है कि किस आधार पर चार श्रेष्ठ पद्य को माने और किस समीक्षक के द्वारा प्रवर्तित चार पद्य को हम श्रेष्ठ माने। हम यहां पर पहली बार आपके सामने ये समग्र रूप में इसका विश्लेषण ला रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यानपूर्वक समझें और समझने की कोशिश करें। देखेंगे, एक हमने लिस्ट यहां तैयार की है जो थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पे वही लिस्ट आई थी। एक हुए हैं अभिराम नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने दिग्मात्र दर्शन नामक अपनी टीका में पद्य संख्या 6 यानी जिसको कि हम कहते हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम्, पद्य संख्या 17 यानी अस्मान साधु विचिन्त्य, पद्य संख्या 18 अर्थात शुश्रूषस्व गुरुन कुरु, और पद्य संख्या 22 यानी अर्थो हि कन्या परकीय एव, इन चार पद्यों को श्रेष्ठ माना। तो किशोर केली टीकाकार ने पद्य संख्या 6, 18, 9 यानी यहां पर जो है पातुम न प्रथमं व्यवस्यति, और 11वां पद्य रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, इन चार पद्यों को श्रेष्ठ पद्य मान लिया।
एमआर काले जिसकी हमने चर्चा की, आप देखेंगे कि संख्या है 6, 18, 17 अथवा 19 और 20। अगर पद्य की दृष्टि से इसको हम जाने तो छठा पद्य है यास्यत्यद्य शकुंतलेति, 18वां पद्य है शुशु शश्व गुरुन कुरु, सॉरी 18वां पद्य है अस्मान साधु विचिंत्य, 19वां पद्य है शुशु शस्व गुरुन कुरु, 17वां पद्य है अभिजन वतो भर्तु और 20वां पद्य है ये इस तरह से ये इन्होंने 5 पद्यों को श्रेष्ठ पद्यों में पद्य चतुष्टय में शामिल करने की कोशिश की है। मीराशि जिनका कि सर्वाधिक प्रथित है, प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि सबसे तार्किक इन्हीं का है, लेकिन मैं व्यक्तिगत ऐसा नहीं मानता कि ये तार्किक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, छठा पद्य जो यास्यत्यदि शकुंतलेति है, 18वां जो कि हमने कहा अभी अभिजनवतो, 20वां शुशु शस्व गुरुन कुरु, 22वां आपको जो अर्थो ही कन्या पर किए एव है, और इन सारे पद्यों के चयन के नेपथ्य में मीराशि ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तर्क को बनाने की कोशिश की है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। और आप देखेंगे ये जस्टिफिकेशन क्या है कि पिता के द्वारा पुत्री को दिए गए शुभाशीर्वाद पहला पद्य, फिर कह रहे हैं पद्यों के माध्यम से दी गई ध्वनि, मानव एवं प्रकृति के मध्य तादात्म्य, करुण रस की समसृष्टि आदि, इस प्रकार की बात कह कह के उन्होंने अलग अलग तर्क हमारे सामने एकत्रित किए हैं। एक रामेंद्र मोहन बोस हैं, इनका एक अनूठा प्रयोग हमने देखा, 6, 18, 19 पद्यों को तो हमने जाना, शममेष्यति कथमनु वाला जो पद्य अभी हमने विश्लेषण किया था कि कैसे मेरा शोक शांत होगा, रामेंद्र मोहन बोस ने इन्हें सर करुण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्य कहा और पद्य चतुष्टय में इस 21वें पद्य को इन्होंने स्थान दिया। शारदा रंजन रे हैं, इन्होंने 6, 18, 17 और 19वें नंबर के पद्य को श्रेष्ठ माना है, तो परमानंद गुप्त ने 6, 18, 19 और 20 नंबर पद्यों को श्रेष्ठ माना है। मित्रों अगर इनका केवल इन 7 समीक्षकों के पद्यों की संख्या मात्र पर ध्यान दें तो कोई भी एक समीक्षक ऐसा नहीं है जो कि 4 के 4 पद्यों में समानता दिखा रहे हो, या एक ही समान जो है उनके पद्यों की संख्या आ रही हो, कहीं ना कहीं भेद आप आवश्यक रूप में पाएंगे कि किसी समीक्षक ने किसी अन्य 4 को माना है तो किसी अन्य समीक्षक ने किसी अन्य 4 को माना है। हमने भी एक लघु प्रयास किया और तदंतर इसके लिए हमने लिखा निर्धारणार्थ आधार, और हमने उसके लिए कोशिश की कि क्या क्या निर्धारण के आधार हो सकते हैं या होने चाहिए। तदनुसार हमने एक बिंदु बनाया कि पिता के द्वारा पुत्री को दिए गए आशीर्वाद को यदि ध्यान में रखें, या अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में जो आशीर्वादात्मक 4 पद्य हैं अगर उसे श्रेष्ठ कहें तो यहां पर आपको मिलेगा 7वां 8वां 7वां अमीन वेदीन परितह वाला है, 8वां है ययातेरिव शर्मिष्ठा, 19वां और 20वां जिसकी चर्चा करते आ रहे हैं आसमान साधु विचिंत्य और शुश्रूषस्व गुरुन कुरु। महाकवि कालिदास की एक बड़ी अधिक सबसे जो कह सकते अनूठी विशेषता है वह है ध्वनि की। साहित्य शास्त्री इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और यहां तक कि आनंद वर्धन ने जब ध्वनि का प्रवर्तन किया था तो उन्होंने नाम ना केवल महाकवि कालिदास का नाम लिया था कि महाकवि कालिदास जैसे ही 2-4 कवि हैं जिनमें कि ध्वनि का जो है पूर्ण प्रवर्तन प्राप्त होता है। तो ध्वनि के आधार पर यदि 4th अंक के 4 श्रेष्ठ पद्यों का हम विश्लेषण करें तो यह दूसरा पद्य हो सकता है यात्येक तोस्त शिखरम पतिरोषधी नाम, दूसरा कहते अंतरहिते शशिनी, 11वां पद्य हो सकता है रम्यांतरह कमलिनी हरितैह, और 15वां पद्य हो सकता है उत्पक्ष मनोह आदि वाला। मानव एवं प्रकृति के संबंध को ध्यान में रख करके चलें तो 5वां पद्य हो सकता है, 12वां पद्य हो सकता है, 14वां पद्य हो सकता है, 9वां पद्य हो सकता है, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति क्षौमं केनच दुंदु पांडु तरुणा, या इसी प्रकार उद्गलित दर्भ कवला मृग्य आदि। और अगर करुण रस की समसृष्टि, जैसा कि महाकवि कालिदास के ऊपर में टिप्पणी करते हुए काले ने कहा है, अगर करुण रस की समसृष्टि को ध्यान में रख करके चलें तो 6वां 9वां 21वां और 22वां। 6ठा से तात्पर्य है आपको यास्यत्येदि, 9वां से तात्पर्य है असमान साधु विचिंत्य, 21वां से तात्पर्य है शममेष्यति कथम नु शोक वत्से त्वया रचित पूर्वम, और 22वां से तात्पर्य है अर्थो हि कन्या परकीय एव। और यदि सद्गृहस्थ की भूमिका को आधार बना करके इसका विश्लेषण करें तो ये पद्य 4 भिन्न हो सकते हैं, और वे हो सकते हैं 6, 9, 17 और 18। मित्रों हमने 2 प्रकार से विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें एक विश्लेषण है कि अद्यतन प्राप्त श्रेष्ठ समीक्षकों के द्वारा जो दिए गए पद्यों की संख्या है, 4 श्रेष्ठ पद्य उन्होंने जिसे माना है, हमने उनकी एक वृहत लंबी और परिशुद्ध सूची आपके सामने प्रस्तुत की।
दूसरी सूची जो हमने प्रस्तुत की वह इस रूप में प्रस्तुत की कि यदि अन्वेषण किया जाए कारणों का कि किन किन कारणों के आधार पर महाकवि कालिदास ने या किन किन कारणों के आधार पर समीक्षकों ने चार पद्यों को श्रेष्ठ कहा है, तो हमने एक उनकी एक अलग सूची दी। और आश्चर्य यह है कि इन समग्र यानी 11 प्रकार की सूचियों के आधार पर भी 11 के 11 जो चार श्रेष्ठ पद्य है उनमें समानता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पद्य में हमें अंतर आवश्यक रूप से प्राप्त होता है। फिर हमने यह सोचा कि नहीं, कोई एक ऐसा सार्वभौमिक कारण का अनुसंधान किया जाए जो कि सर्वजन स्वीकृत हो और साथ ही तार्किक भी हो। विरोध हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन यह मेरा प्रयास है कि हम अपने तर्कों के माध्यम से केवल और केवल उन्हीं चार पद्यों को श्रेष्ठ कहें। और तदनुसार आप यदि देखेंगे तो हमने इसे मूल रूप से एक पैकेजिंग दी है और वह है कि सब गृहस्थ की भूमिका, क्योंकि इससे पूर्व के जितने भी हमने विषय को लिया है वो सारे विषय कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अन्य ग्रंथ में भी प्राप्त होते हैं, अन्य जगह पे भी यह सारी बातें उपलब्ध होती है। अगर करुण रस को आधार बनाए तो अगर आप जाकर के अब उत्तर रामचरितम के पद्यों को पढ़ें और उस जहां पर वो कहते हैं जब कंक्लूडिंग लाइन है एको रस करुणेव, उससे पहले करुणा की एक सतत एक असीम एक सुदीर्घ धारा प्रवाहित की है, तो क्या अगर करुणा को आधार बनाएंगे तो उत्तर रामचरितम के कोई भी ऐसे पद्य नहीं है जो इनकी समता रखे। मैं मानता हूं कि एक से एक श्रेष्ठ पद्य है जिनमें करुणा की धारा वहां पर संजोई गई है। इसी प्रकार यदि आप भास के स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के उस पद्य को याद रखें कि नैवेदानीं तादृशाः चक्रवाकाः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर वियुक्ताः धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। कौन सी करुणा, किस करुणा की बात कर रहे हैं? कालिदास की किसी भी करुणा से ये क्या कम है? दूसरे शब्दों में हम यदि किसी भी बिंदु को आधार बनाएं तो उन बिंदुओं के आधार पर अन्य भी चार पद्य श्रेष्ठ हो सकते हैं। दार्शनिक भाषा में यदि कहें तो अतिव्याप्ति हो सकती है। किसी भी एक आधार को बनाएं तो वो लक्षण अन्य नाटकों के भी किसी पद्य पर वो घट सकता है, अतिव्याप्ति हो सकती है। इसीलिए हमने उन तर्कों को का परित्याग करके एक मूल तर्क बनाया, वह है सद्गृहस्थ की भूमिका। सद्गृहस्थ की भूमिका को भी समझ लें। देखिए, गृहस्थ से क्या होता है, हम सारे लोगों का क्या है, सामंजस्य बनता है। हमारी प्रतिच्छवि, हमारी प्रतिच्छाया उस गार्हस्थ्य में दिखती है। इसीलिए यदि महाकवि कालिदास चतुर्थ अंक में अन्य तत्वों के साथ यदि गृहस्थ का विश्लेषण करते हैं, गार्हस्थ्य का विश्लेषण करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस एक आधार पर ही चार पद्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी भी नाटक में इस प्रकार के गार्हस्थ्य का चित्रण प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर विशेष धर्म को माने तो विशेष धर्म यही मात्र बनता है। तदनुसार अगर हम विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि देखें, पहला, पुत्री चली जाएगी। अगर हम पुत्री की विदाई की समग्र योजना पर दृष्टिपात करें तो किस प्रकार वह प्रक्रिया चलती है उसको ध्यान में लेना है। पुत्री बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है, जो स्वजन हैं, माता पिता हैं, उनके मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि पुत्री की शादी करवाएं। जब शादी होती है तो उनकी विदाई का अवसर आता है और पिता के मन में एक मतलब कह सकते हैं स्वस्थ समाज के स्वजनों के मन में यह भावना उठने लगती है, पनपने लगती है कि अब हमारी बेटी चली जाएगी। यद्यपि यहां महाकवि कालिदास अद्य शब्द का प्रयोग किया है, मैं उसको और थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूं कि स्वाभाविक रूप से हर माता पिता के मन में यह वेदना उत्पन्न होती है कि अब जो है हमारी बेटी चली जाएगी। तो वही चीज है, पुत्री आज चली जाएगी। इस एक बिंदु को लेकर के एक पद्य बना। चूंकि हमने चारों तर्कों को इंटरलिंक्ड माना है, हम जो चारों बातें दे रहे हैं उसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले ये तर्क हैं, तो कहते हैं कि पुत्री आज चली जाएगी। एतदर्थ पिता की विरह वेदना। छठा पद्य, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्ट मुत्कंठया। उसी की जो आखिरी पंक्ति बार बार हमने रिपीट की है कि पीड्यन्ते कथम नु गृहिणः तनया विश्लेष दुःखैर्नवे।
तो इसमें वो करुणा भी समाहित है जिस करुणा की पुनः पुनः चर्चा हो रही है, लेकिन मूल रूप से चिंता यही है कि पिता कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास हिल गया है कि अब ये मेरी बेटी चली जाएगी। दूसरा, पुत्री जब जाएगी, ठीक है, योजना बन गई, मन में भावना उत्पन्न हो गई कि बेटी अब चली जाएगी, लेकिन अभी विदाई के अवसर के लिए सारी योजना होती है, समायोजन होता है, एक फेस्टिव वातावरण हम लोग क्रिएट करते हैं, और उस फेस्टिव वातावरण को विटनेस करने के लिए, उनके साक्षीभूत होने के लिए, उनमें साथ देने के लिए, आशीर्वाद के लिए हम अपने स्वजनों को आमंत्रित करते हैं, आस पड़ोस के बच्चे को हम आस कह सकते हैं कि आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, केवल ये कह करके कि इनका ये है, इस अवसर पे आओ और आशीर्वाद दो। देखेंगे पद्य वही है कि एसोसिएट करते हैं, हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज के लोगों का संबंध अपनी उस बेटी से बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तो महाकवि कालिदास का समाज आश्रम है, जहां पर आश्रम के तरुलता वल्लियां पुष्पवंत आदि जो हैं वो सारे के सारे उनके स्वजन हैं, लेकिन अगर उसी को एक प्रतीक को हम ले लें तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक का संबंध उस पुत्री से होता है। किसी के लिए वो दीदी होती हैं, किसी के लिए वो छोटी बहन होती हैं, तो किसी के लिए कोई और होती है, माता पिता के लिए बेटी होती हैं, और भाइयों से तो हमेशा लड़ने के लिए होती हैं। तो इस प्रकार के जो एक स्नेह संपृक्त जो भाव है, उस भाव का हम दिला ये देते हुए, उदाहरण देते हुए अपने स्वजनों को आमंत्रित करते हैं। महाकवि कालिदास ने मानो उसी प्रकार से ये कहा है, एक एसोसिएशन बनाया है कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्याह भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला। सा इयम, जो मैंने कहा कि संबंधों को जोड़ना, अतीत की बातों को, उनके व्यवहार को रिलेट कर रहे हैं कि सा इयम शकुंतला, सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। आप सभी आज्ञा दें, इनको और एक्सटेंडेड बना लें कि आप सभी आशीर्वाद दें, एक जाते समय एक वेल सी ऑफ करें इनको, एक गुड विशेज के साथ इनको सी ऑफ करें। ये महाकवि कालिदास या उस समाज के जो श्रेष्ठ जन है, उन श्रेष्ठ जनों की हृदगत भावना है जो अपने अनुजों के लिए, अपने स्नेहिलों के लिए वो संचित करके रखते हैं और तदनुसार वो व्यवहार में लाते हैं। तो मित्रों, दूसरा पद्य मेरे अनुसार, पहला तो यास्यत्यद्य शकुंतलेति, दूसरा पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, तीसरा हम देते हैं कि पुत्री जहां जाएगी। ठीक है, हमने स्वजनों को बुला लिया, हमारी वो वेदना भी मूर्त रूप में आ गई कि बेटी जाएगी, बेटी आज जा रही है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि बेटी जो जा रही है कहाँ जा रही है, एक ऐसे नूतन परिवेश में जा रही है जहां पर कोई उनका अपना नहीं है, यहां तक कि अगर प्रेम विवाह ना हो तो पति भी उनके लिए अनजाने ही होते हैं, क्योंकि विश्वास का वह सेतु तब तक कायम नहीं होता जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। अस्तु, इस संदर्भ में भले ही शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त उस समाज में, उस परिवार में उनको कोई नहीं जानता। क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है, कौन लोग इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो इसलिए वे वहां के लोगों को, अथवा दुष्यंत को संदेश देते हैं कि किस प्रकार तुमको शकुंतला के साथ व्यवहार करना है। अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनानुच्चय कुलम चात्मना। और आखिरी पंक्ति पर ध्यान रखेंगे कि भाग्यायत्तमतः परम न खलु वाच्यः तद्वधू बंधु भी। सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि भाई आपके परिवार, आपके शासन, आपके अनुशासन में यह रच बस जाएगी, आपके लिए सहयोगिनी होंगी, आप केवल इनके लिए अनुकूल वातावरण बना के रखना। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्हें महारानी पद देना, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको खूब दुलार लाड़ प्यार से रखना, बल्कि जितनी इनकी योग्यता है या जैसा व्यवहार आप अपने अंतःपुर में अन्य जनों के साथ रखते हैं उतना ही व्यवहार आप इनके साथ करना। उसके बाद भाग्यायत्त परह, भाग्यायत्त मतः परम न खलु वाच्यः तद्वधू बंधु भी, कि उसके बाद के जो विषय हैं, उसके बाद की जो चर्चा है, उनके बाद जो है, चाहे वो महारानी बनेगी या वो सबकी उपेक्षा का शिकार रहेंगी, ये तो उनके भाग्य के अधीन है। मित्रों, यहां पर मैं उसे भाग्य नहीं लेता, मैं उसे कहता हूं कि यह उनके व्यवहार के अधीन है, कि अगर शकुंतला का व्यवहार सुंदर होगा
तो वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त होगी। अगर शकुंतला का व्यवहार अपने शकुंतला का व्यवहार स्वजनों के प्रति अच्छा नहीं होगा तो वह उसे वह उपेक्षा का शिकार बनेगी। तो इस तरह से मानो जो पुत्री पति गृह जा रही है उसके लिए एक स्वस्थ गृह का निर्माण करना, यह भी माता पिता की आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है। इसलिए हमने उसका थर्ड स्टेप जो है ये तीसरा चरण लिया कि पुत्री जहां जाएगी। फिर है सारी बातें हो गई, भावनात्मक रूप से बंध गए, स्वजनों को आमंत्रित कर दिया और एक संदेश सा हमने दे दिया कि पति गृह जाने के बाद पति गृह के लोग इनके प्रति कैसा व्यवहार करें। लेकिन एक बात छूटी ही रह गई और वह है कि पुत्री जब चली जाएगी, अर्थात जब पुत्री चली जाएगी तो पुत्री का भी एक व्यवहार होता है। तो इसलिए एतदर्थ पुत्री के प्रति पिता का सदुपदेश कि जहां जा रही है सर्वथा नूतन वातावरण है। ठीक है, दुष्यंत और अनसूया जो कि भारतीय समाज के दो प्रतीक हैं, दुष्यंत और शकुंतला जो कि भारतीय समाज के दो प्रतीक हैं, तो शकुंतला आश्रम में रह रही हैं, इसलिए उनके लिए आश्रम एक परिवेश है, वही पूरा संसार है, वही उनका वातावरण है, वही उनका परिवेश है, समाज है, परिवार है, सब चीज है। और दूसरी ओर दुष्यंत जो कि राजा है, स्वाभाविक रूप से दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, एक वैषम्य है। तो उसे वैषम्य में कैसे सामंजस्य उत्पन्न किया जाए? आपने ट्यून किया, बल्कि टोन डाउन करने की कोशिश की पति गृह वाले लोगों को, लेकिन जो पुत्री जा रही है उनके व्यवहार से भी तो कुछ निकल कर आने चाहिए। तो उस पुत्री को जो उपदेश है कि तुम कैसे वहां रहोगी, वो भी अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि वह श्रेष्ठ पद्यों में से एक है, क्योंकि यह व्यवहार पुनः अन्यत्र दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होता। और वह श्लोक शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भरतुर विप्रकृता पिरोषणतया मा स्म प्रतीपम गमह भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी याम्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधयः। अर्थात जो पिता के द्वारा बताए गए उपदेश के ऊपर चलती हैं वह तो श्रेष्ठ पद को प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके जो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां होती है, युवतियां होती हैं, वो कुल के लिए मानसिक व्यथा के रूप में बनकर आती है। तभी महाकवि कालिदास ने ऋषि कण्व के माध्यम से एक सभ्य समाज के लिए एक सुंदर उपदेश दिलवाया है। और मित्रों, मैं समझता हूं कि आज भी इसकी आवश्यकता है, भले ही हम इनको आधुनिक विचारों से न मढ़े। कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून, ठीक है, हम इसका शाब्दिक अर्थ ये लेते हैं कि श्रेष्ठ जनों की सेवा करना। पुनः प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, क्या पुत्रियां, स्त्रियां, युवतियां दूसरे लोगों की सेवा के लिए ही हैं क्या? नहीं, कतई नहीं। मूल विषय यह नहीं है कि पुत्री को कहा जा रहा है कि सेवा भाव केवल रखना, यहां यह आदर है, यह सम्मान है, अर्थात किसी की अवमानना नहीं करना, आदर देना। और मित्रों, कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसमें आदर नहीं है? और जिस संस्कृति में अनादर है अपने गुरुजनों के लिए, वो संस्कृति चलती नहीं। हमारी संस्कृति अभिवादनशीलस्य वृद्धोप नित्यम वृद्धोप सेविनः से चलती है। भले ही चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम का कोई कार्य कारण संबंध ना हो, लेकिन जो प्रथम पंक्ति है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविनः, आज हर समाज सेवा भाव से काम चल रहा है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पर जन सेवा को आधार नहीं बनाया गया हो। और अगर अपने गुरुजनों के लिए कालिदास शकुंतला में सेवा भाव को जड़ रहा है, मढ़ रहा है, तो इससे सुंदर शिक्षा और क्या हो सकती है? तो शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ध्यान है वो समाज, ध्यान रहे वो समाज जो है बहुविवाह प्रथा थी। तो मान करके चलें कि एक पति की कई सारी पत्नियां होती होंगी, हम इनके तारीफ नहीं करते, इनकी प्रशंसा नहीं करते, इस व्यवस्था को हम यहां प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्था है उस काल की दृष्टि से, तो वहां कहते हैं कि उनके प्रति कलह भाव नहीं रखना, बल्कि अपने प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। अर्थात जिस प्रकार अपने प्रिय मित्र के साथ हे शकुंतला तुम व्यवहार करती रही हो, उसी प्रकार तुम हंसपदिका और वसुमती आदि से तुम व्यवहार करना। तीसरा निकल कर आता है कि
भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वनुसेकिनी आदि इस तरह का जो उपदेश है एक विनम्र और स्वस्थ मानव के निर्माण में इससे सुंदर उपदेश नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि भाई जो परिजन हैं, जो सेवक वर्ग हैं, जो छोटे मोटे बच्चे हैं, उनके प्रति दया भाव रखना, इनमें कैसा दोष? इस उपदेश का क्यों विरोध? क्यों हम संस्कृति में विखंडन की चिंता करें? बल्कि ये कुछ ऐसे भाव हैं जो संस्कृति को संजीवनी प्रदान करती है और तभी ये भारतीय संस्कृति इतनी सशक्त संस्कृति कहलाती है। और मित्रों, याद रखें मेरे उस वाक्य को जो मैं हर जगह सुनाता हूँ कि महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं, थे नहीं। महाकवि कालिदास के किसी भी काव्य को उलट पलट करके आप देख लें, एक स्वस्थ भारतीय समाज आपको परिलक्षित होगा, वो आदर्श समाज परिलक्षित होगा, वो स्वप्न का समाज परिलक्षित होगा, जिसमें केवल आनंद है, जहां केवल सुख है, जहां केवल शांति है, जहां कलह को स्थान नहीं है। तो यह है महाकवि कालिदास का चतुर्थ अंक, जिस चतुर्थ अंक में भले ही वो पृष्ठभूमि रही हो शकुंतला की विदाई की, लेकिन महाकवि कालिदास ने अपने समग्र संदेश को मानो इस प्रकार के पद्यों के ताना बाना बुन करके हम स्वस्थ समाज, हमारे जो स्वस्थ समाज है उनके लिए एक संदेश दिया है। चतुर्थ अंक को जरूर पढ़ना चाहिए, चतुर्थ अंक को जरूर समझना चाहिए। जो भी कोई सहृदय हैं, अर्थात जिनके हृदय में रस को अनुभूति करने की क्षमता है, ऐसे समग्र व्यक्ति के लिए यह जरूर एक प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कि चतुर्थ अंक आप अवश्य पढ़ें। हम उसको उसका साक्षात करते हैं, हम उस चीज को जानते हैं कि किस प्रकार एक पुत्री की मनोव्यथा होती है जब ससुराल जा रही होती है। हमने भले ही इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया हो, लेकिन कभी भी उस पीड़ा की व्याख्या नहीं की, कभी भी उस वेदना के मूर्त रूप को हमने नहीं देखा। महाकवि कालिदास ने शकुंतला के माध्यम से हमें अपने, कह सकते हैं कि अपनी बहनों का, अपनी पुत्रियों का साक्षात हमारे सामने चित्र उपस्थित कर दिया उस विदाई के क्षण का। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वो न केवल श्रेष्ठ है बल्कि श्रेष्ठ रहेगा। और ये जो चार पद्य है जिसकी बार बार मैं स्थापना करता रहा हूं, जिन चार पद्यों को किसी एक समीक्षक ने श्रेष्ठ नहीं कहा है, वो मैंने आपके सामने तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया और उसको रिपीट कर लें कि छठा पद्य, आठवां पद्य, सत्रहवां पद्य और अठारहवां पद्य। शुश्रूषस्व गुरुन कुरु अस्मान साधु विचिन्त्य, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम और यास्यत्यज्ञ शकुंतलेति हृदयम्। तो आपके आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चार श्रेष्ठ पद्य कौन से हैं। मित्रों, आप लोगों का साथ बड़ा ही आनंददायी होता है, यह आनंद इसी प्रकार बना रहे, लेकिन तब जब आपकी टिप्पणी प्राप्त हो, और वो टिप्पणी जो है हम जैसे लोगों के लिए, पुनः मैं कहता हूँ, संजीवनी होती है, जिसके बल पे और कुछ नया सोचने का प्रयास होता है। आपने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिनके माध्यम से आज हमने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम पर एक बार फिर से चर्चा की और कुछ भावनात्मक मूल्यों को हमने जानने की कोशिश की। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप साझा कर सकते हैं info.cec@nic.in पर। इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क करने के लिए। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, अगली मुलाकात आप सभी दोस्तों से फिर से होगी। तब तक आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम।